अरुणाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में भाखड़ा के ग्रामीणों की ओर से एक अनोखी यात्रा निकाली गई, जिसका नाम सड़क यात्रा रखा गया, जो कि भाखड़ा गांव से शुरू होकर नैना देवी चौक तक पहुंची। वहीं इस यात्रा में गाड़ियां, मोटरसाइकिल व पैदल चल रहे लोगों ने हिस्सा लिया। बता दें कि इस यात्रा का आयोजन सड़क सुधार के लिए किया गया। वहीं प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्होंने अपना मांग पत्र जिला उपायुक्त, कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और विधायक रणधीर शर्मा को भेजा है। साथ ही ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर 5 फरवरी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वे अपने वोटर कार्ड जिलाधीश के दफ्तर के सामने बैठकर लौटाएंगे। उसका उद्देश्य ये है सर कि हम लंबे समय से वोटें डाल रहे हैं पर हमारे चलने फिरने के लिए सड़कें नहीं हैं। सड़कों में गाड़ी तो क्या जाएगी, पर हम पैदल भी नहीं चल सकते हैं। सरकार, मुख्यमंत्री जी ने एक आपदा घोषणा की थी कि बरसात में मतलब ये तबाह हो गया, और उसके बदले में हमने पटवारी से खुद हमारी संस्था ने प्रमाण पत्र बनाए और वो एसडीओ को दिए, एसडीओ ने एक्शन को भेजे, एक्शन ने डीसी को भेजे, परंतु आज जनवरी में ही ना चल रहा है। जनवरी में भी तक भी वो सड़कों का कोई सुधार नहीं हुआ, कोई सड़कों पे मरम्मत नहीं हुई। हम तो ये सोचते हैं कि अभी जनवरी में ना चला हुआ है, पर हमारे लोगों के लिए महीना अभी अगस्त चला हुआ है। चौधरी साहब, आज का क्या मांग पत्र दिया आपने? हमने मांग पत्र दिया कि हमारी सड़कों को पक्का किया जाए ताकि हम अपने घर को आराम से जा सकें, हम अपनी गैस अपने घर में भरवा सकें, हमारी एम्बुलेंस जो है हमारे घर तक जाए। आज हमने भाखड़ा से लेके 10 बजे शुरू की थी सड़क यात्रा, जिसमें खरकड़ी, सलोवा, माकड़ी और भाखड़ा पंचायत के बहुत से गांववासियों ने हिस्सा लिया। ये सड़क यात्रा इसलिए थी कि हम प्रशासन को ये बताना चाह रहे हैं कि जो वोटें हम आपको दो दो घंटे लाइन में लगकर देते हैं उसका हमें मूल्य दीजिए। हमारा आज का नारा था रोड के बदले वोट। दोस्तों, आज हमने इस चीज को दर्शाया है कि लोग आज नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के जागरूक हो चुके हैं। अब 2024 में आम चुनाव आने वाला है, जिसमें आम लोगों के साथ एक बार फिर वायदे कर वायदा खिलाफी की जाएगी। आज एक पहल वेलफेयर संस्था ने यह फैसला किया है, गांव वासियों ने फैसला किया है कि अगर 5 फरवरी तक जो हमारी प्रमुख मांगे हमने मांग पत्र में रखी हैं, जैसे खार टिब्बा सड़क है, सलोआ से सीनियर सेकेंडरी की सड़क है, कनफेरा बडेड़ की सड़क है, स्कूलों में अध्यापक नहीं है और जितनी भी लिंक रोड्स हैं उनकी मरम्मत, अगर इनके ऊपर गौर नहीं किया गया तो इलेक्शन कमीशन को इसके बाद 5 फरवरी के बाद हम अपने वोटर कार्ड वापिस कर देंगे। हमने आज ये फैसला किया है कि श्री अनुराग ठाकुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 17 विधानसभाएं पड़ती हैं, अगर उन्होंने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया तो एक पहल वेलफेयर संस्था अपनी एक टीम लेकर विधानसभा क्षेत्र वाइज जाएगी और ये प्रचार करेगी कि केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद भी उनके इलाके का हाल जो है दशा दुर्दशा बनी हुई है। और प्रदेश सरकार से भी ये निवेदन है, क्योंकि सुक्खू जी की भी असेंबली इसी पार्लियामेंट में पड़ती है, मुकेश जी की असेंबली भी इसी पार्लियामेंट में पड़ती है, तो उनके लिए भी हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि कोई पक्षपात नहीं है, सरकार कोई भी हो लोगों के काम होने चाहिए। गौरतलब है कि सड़क यात्रा में ग्रामीणों ने अपनी समस्या के समाधान की मांग की है, साथ ही चेतावनी दी कि समस्या का समाधान ना होने पर वे अपने वोटर कार्ड लौटा देंगे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि सरकार और प्रशासन उनकी मांगों पर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट।